वेलकम टू साइंस मस्ती। साइंस मस्ती के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक टीचर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्हें सुपर टीचर कहो या सुपरमैन कहो तो वो दोनों बात सही होंगे उनके लिए। इनका नाम है आनंद सर और ये पटना में आनंद सुपर 30 चलाते हैं और इनका आनंद सुपर 30 पूरे विश्व में, वर्ल्ड में विख्यात है। इन्हें यहाँ तक कि जो अमेरिका में इन्हें पुरस्कार भी दिए गए, अवार्डित भी किए गए और अपने देश में तो कई अवार्ड्स ये ले चुके हैं। इनके बच्चे भी पूरे देश में नाम करते हैं और IIT में सबसे बेस्ट स्टूडेंट देने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है। इनके बारे में आज बात इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने जो 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 काम किया है उस पर एक मूवी भी बनी है सुपर 30, जिसे आप देख कर बहुत इंस्पायर हो सकते हैं। और जो परिश्रम होता है वो ना गरीब कर सकता है ना धनी कर सकता है, वही कर सकता है जो कि उस परिश्रम के लिए बना है और उस परिश्रम को समझता है। इस मूवी बड़े अच्छे तरीके से दिखाई है। भले इसमें के जितने बच्चे रहते हैं 30 बच्चे, वो सभी गरीब ही रहते हैं, पर उनका मेहनत देखकर आप बहुत इंस्पायर होइएगा कि किस प्रकार वो मेहनत कर आगे बढ़ते हैं। और इस टीचर को भी दाग दीजिएगा कि ये टीचर कैसे इतना सारा मेहनत करके 30 बच्चों को IIT निकलवाता है। और यही नहीं, ये हर साल ये काम करते हैं। आप भी इनसे पढ़ सकते हैं अगर आप 10th में हायर मार्क्स लाएं और आपका कंटेंट इतना मजबूत हो कि इनका जो फ्री इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें आप पूरे जो 30 बच्चों का लिस्ट आता है उस 30 बच्चों के लिस्ट में आ सके। इनकी मूवी में ऋतिक रोशन काम किए हुए हैं, इसी से आप जान सकते हैं कि कितना बड़ा हस्ती रहे होंगे। तो मेरी ये रिकमेंडेड है, मैं इनके बारे में आपको एक वीडियो के रूप में भी आपको बताता हूँ कि ये वीडियो के रूप में यही उनके बच्चे लोग हैं जो कि पूरे देश में बहुत सारे नाम किए हैं और वो कैसे अपना कहानी बताते हैं कि आप जानते हैं बिहार में माफिया डॉन ये सब बहुत सक्रिय होते हैं और किस प्रकार ये उन लोगों से लड़कर बच्चों को आगे करते हैं और एक आदर्श टीचर की भूमिका निभाते हैं बिहार के लोगों के लिए, बिहार के जो भी टीचर है उनके लिए। और ये भी बताते हैं कि टीचर के लिए पैसा अहमियत नहीं रखता है, उनके लिए उनका सबसे बड़ा मेहनत उनके द्वारा किया गया काम और उनका बच्चा जो अच्छा रिजल्ट लाता है वो चीज़ होता है। तो हम लोग आज इनका वीडियो देखेंगे और वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कितना मेहनत किया और कितने सिंपल पर्सनालिटी है। इतना बड़ा नाम होते हुए भी ये कितने सिंपल सिटी में जीते हैं, ये चीज़ आपको ये वीडियो बताएगा। तो वीडियो ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तुम कौन बोल रहे हो? प्रोफेसर आनंद बोल रहे हो? हमको लगा ना कि जी बोल रहे, हमको लगा ना कि कोई बच्चा बोल रहा है। टेस्ट लिया था हाल फिलहाल में सुपर 30 का, उस टेस्ट में बच्चा कोई फेल कर गया तो आवाज बदल के हमको डरा रहा है। हम बोले कि तुम कौन बोल रहे हो भाई? तो बोला कि मैं हल्ला फल्ला सिंह बोल रहा, नहीं पहचानते हो? ऐसे आदमी को मैं बेउर जेल से बोल रहा हूँ, मुझे पहचान लो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। हमके चुप, बर्बाद करेगा, शर्म नहीं आता है तुमको? तुम कौन बोल रहे हो? अभी कॉल डिटेल निकलवाएंगे, पुलिस को कंप्लेन करेंगे तो तुम्हारे पिताजी क्या सोचेंगे कि मेरा बेटा पढ़ाई में मन नहीं लगाता है और कितना गंदी गंदी हरकतें करता है, क्या पापा जी सोचेंगे तुम्हारे? बताओ, चुप, रखो फोन। रख दिया फोन। उसके पास कोई उत्तर नहीं था, कहा कि कोई किसी को भी कुछ करता था। फिर एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट सौंपता, उससे गुंडागर्दी मांगता था, क्या करता था, नहीं दिया तो उसको मर्डर कर दिया। 4-5 दिन बाद टीवी वगैरह में ब्रेकिंग न्यूज आने लगा, शहर में खलबली मची, इतना बड़ा सबसे बड़ा व्यापारी को सोना चांदी वाले का इसने हत्या कर दी। भाई करवाता था उसका आदमी, बाहर रहते थे। फिर फोन किया उसी समय, क्या मजा आया। हमको थोड़ा डाउट हुआ कि उसका उसकी हत्या हुई, उसका मर्डर हुआ, तुम्हारा ही बारी है। हम यार देखो, हम उस दिन फॉलो तुमको नहीं किए, फिर रख दो। हमको तब भी थोड़ा लगा कि अरे कोई आदमी हमको काहे के लिए, सीधा साधा मास्टर जो गरीब आदमी है, ट्यूशन पढ़ा के 30 को बच्चा को भोजन करवा, तो उसको इतना बड़ा क्रिमिनल क्यों लगेगा? तब तुम पटना कोचिंग एसोसिएशन का बात नहीं माने, क्या क्या बोलो? तब हम तो गाली उली देने लगा, डाउट हुआ। पुलिस को हमने रिपोर्ट किया, पुलिस कहा बताइए नंबर क्या उसका आया है। हमने बताया ऐसा ऐसा नंबर है। अरे ओरिजिनल क्रिमिनल है, आप उसको नकली समझ रहे हैं, ओरिजिनल है, घर से मत निकलना, मार देगा आपको। हम फिर हमको मत बोलना,
सिग्नल लग गया, ओरिजिनल हमारे पीछे। पांच छह दिन डर से घर से नहीं निकला, फिर मजबूरी थी, कितना दिन डर के रहा था भाई। मुझे लगा कि भाई ट्यूशन पढ़ाना है, घर से बाहर जाना है, ट्यूशन पढ़ाना है, पैसा लाना है कमा के घर में, तब ना बच्चों को खाना देंगे, अपने खाना खाएंगे, कहाँ से हमारी स्थिति होगी। मैं गया, एक दिन संडे को जब मैं गेट से निकल रहा था तो घात लगाए हुए 15-20 अपराधी मोटरसाइकिल से आए और घात लगाए हुए। जैसे ही मैं बाहर निकला गोली चलाने लगे, छुरा चलाने लगे। मुझे बचाने के लिए मेरा एक नॉन टीचिंग स्टाफ, आप देख रहे हैं, बाहर निकला, उसके पेट में आप देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक चाकू से पूरा फाड़ दिया। मुन्ना नाम था इसका। जब इसका लाइफ खतरे में आ गया, तुरंत बेहोश हो गया, लेकिन सलम इलाके में थे, उसका एक फायदा हुआ, गांव था और सभी लोग डरे, क्या हुआ क्या हुआ, निकले डंडा लाठी लेके, तब तक वो भाग गया फायर करते। उसको हम लोग तुरंत पटना मेडिकल कॉलेज में ले गए, बेहोश था। हमारे दोस्त परिवार मित्र समाज मोहल्ला सबका छोड़ दो, क्या जरूरत है ऐसा समाज सेवा करने का, बच्चों की भलाई करने का, कि बावजूद इसके तुम्हें गोली लग जाती तब क्या होता, ये बेचारा मर जाएगा तब क्या होगा, पता छोड़ दो ऐसा, कोचिंग चलाना चलाओ, कोटा चल जाओ। मैं भी सोचा कि बेकार चला रहा हूँ। उतने में डॉक्टर साहब आए, बोले कि देखो भाई इसको बचाने के लिए 5-7 बोतल ब्लड चाहिए, ऑपरेट करना पड़ेगा, बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा। हमारे सभी बच्चे 300 पीछे खड़े थे, बोले सर मेरे ब्लड टेस्ट कर लीजिए, मेरा ब्लड का ग्रुप कर दीजिए, 300 चाहता था मेरा ब्लड ले ले। और 300 बच्चा 3 महीना तक लगातार 2-2 की पारी बना के सिर्फ बना के इसका सेवा किया, इसको बचाया। तब मुझे लगा चाहे मुझ पर गोली चले, भाला चले, क्रिमिनल लग जाए, कुछ भी है, सुपर 30 नहीं छोड़ना चाहिए, बच्चे इतना प्यार देते चाहे जो। दूसरा बार हमला हो गया, तीसरा बार हमला छोटा छोटा टैक्टर हुआ, तब हम लोगों ने नारा लगाया बच्चों के साथ, भैया हमला क्यों होता है, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है, हमला क्यों होता है। तब सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बॉडीगार्ड दे दिया, 2 कमांडो, ये आपके साथ रहेगा, कोई हमला नहीं करेगा। अब इसको लेके घूमना मुश्किल हमको हो गया था। छोटी सी गाड़ी, दो ऐसी व्यवस्था, पॉलिटिशियन टाइप का दोनों रहे। अच्छा बीच में एक बात बता रहे हैं, ये करीब बात 10 साल की पीपी पहले की है। ये एक बॉडीगार्ड जो देख रहे इस साइड, उसका 8वां क्लास, ये बॉडीगार्ड का भी तो बिहार पुलिस की होती है, इसका भी ट्रांसफरेबल जब ट्रांसफर होता है, लेकिन ये इस साइड का आदमी तो ट्रांसफर नहीं करवाता था, एसपी को जाके हाथ पैर जोड़ के हमारे ही पास रहता था। इसका बच्चा बहुत गरीब था, साधारण नौकरी थी इसकी, इसका बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ता था, तो हमारे आके देखता था कैसे पढ़ाई होती, चला जाता था आके देखता था। 10वीं के बाद ही हमारे पास आया, ये पढ़ा इसका बेटा, और पिछले के पिछले साल IIT खड़गपुर में चला गया इस बॉडीगार्ड का बच्चा। ये दोनों रहने लगा हमारे साथ, तो हमें बोला भाई, तो वाइफ बोली एक दिन कि चलिए थोड़ा पार्क में, बहुत दिन हो गया घूम घूम के आते हैं। ये लोग बोला चलिए हम भी सर चलते हैं पीछे पीछे आपके। हम कहे भाई तुम कहाँ जाओगे पीछे, हम लोग को घूमने दो। तो नहीं सर हम पीछे पीछे चलेंगे, कहीं कोई मार उड़ दिया तो फंस जाएंगे हम आपको। 23 जिंदगी की पत्नी भी कभी कभी बोलती है कहाँ आपसे शादी करके फंस गए, न फिल्म देख पाते हैं ठीक से, न मार्केटिंग कर पाते हैं ठीक से। हम कहे अच्छा चलिए क्या करिएगा, बर्दाश्त करिए, फिर ऐसे ही होता है। एक बार पत्नी बोले कि नहीं चलिए पानी पूरी गोलगप्पा ये सब खाते, बड़ा दिन हो गया, बटाटा पूरी भेल पूरी सब मिलता, चलिए खाते। हम कहे चलिए, ये दोनों का चलिए, हम कहे तुम पीछे रहना थोड़ा। हम लोग बात करते करते 3-4 किलोमीटर, शाम का वक्त था, मौसम अच्छा था, चले गए 4-5 किलोमीटर दूर पर एक ठेले पर बेचारा बेच रहा था पानी पूरी खाया। पूछे कितना रुपया हुआ भाई, तो बोला 40 रुपया। हम दिया 40 रुपया, बोला कि नहीं नहीं सर आपसे पैसा नहीं लेंगे। हमें क्यों तभी, हम आपको पहचानते सर, आपसे पैसा नहीं। हमको बहुत खुशी हुई कि देखो चाट पकौड़ा वाला भी हमको पहचानता है। फिर थोड़ा डाउट हुआ, हम पूछे अच्छा मैं हूँ कौन बताओ भाई, तो बोला कि सर आपको नहीं पहचानते हैं। अरे आप ही का सामने थाना है, उसी का थाना प्रभारी या दरोगा इंस्पेक्टर कुछ होंगे सर, आपके पास सिका सिपाही 2 खड़ा है, हमारी औकात है आपसे पैसा ले लेंगे सर। ये पुलिस का है, पुलिस चाहे महाराष्ट्र की हो, बिहार की हो, इवन दिल्ली पंजाब हर जगह कहीं ना करप्शन है। और ये हम आप देखिए बीच बीच में कुछ सामाजिक मुद्दा, स्कूल की खराब स्थिति, पुलिस की बर्बरता, इस पर हम लोग को थोड़ा जागरूक होना चाहिए। खैर अब अटैक वगैरह नहीं होता, अब नकली सुपर 30 खुलता है। यहाँ कुछ लोगों ने अभी चलाया, बीच में हम बताना चाहे कि यहाँ पर अभी हम हिरेन शाह जी को बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते कि इन्होंने मुझसे संपर्क किया कि भाई यहाँ भी सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं कमजोर वर्ग के,
उनको आप कुछ करिए। तो हम हमारे शिष्य अनिरुद्ध सिन्हा जी बैठे हुए हैं और उनके साथी लोग हैं जो बॉम्बे में यहाँ पढ़ाने का काम करते हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि देखो भाई पढ़ाओ, उन बच्चे को फ्री में पढ़ाओ, एक रुपया नहीं लो, और कहीं गवर्नमेंट से बात करो, अगर बच्चों को कुछ स्टाइपेंड मिलता है, कुछ स्कॉलरशिप मिलता है, ताकि उनके माता पिता भी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, तो तुम जरूर प्रोत्साहित करो। हीरेन शाह जी की देखिए दरिया दिली, इन्होंने बोला कि चलिए कुछ हमें भी खर्च करना पड़ेगा, इसी स्कूल से जो कमाई होती है उसका कुछ हिस्सा लगाना पड़ेगा, तो मैं करूंगा, लेकिन हम लोगों को दो चीज दिखाना है। हीरेन शाह जी ने बोला, पहली चीज तो ये दिखाना है कि गरीब से गरीब तबका इस बोईसर में लोगों को दिखाना है कि गरीब से गरीब तबका भी पढ़ाई के